हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पैरासिटिक हेलमिनस पैरासाइट्स होते हैं ये बेसिकली मैन के अंदर जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इनको थ्री ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है ट्रीमेटोडाइसिस निमेटोडाइसिस एंड सिस्टोडाइसिस वन बाय वन हम इनके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे तो सबसे फर्स्ट है ट्रीमेटोडाइसिस ट्रीमेटोडाइसिस के अंदर इनको कॉमनली फ्लूक्स बोलते हैं ये एंडोपैरासाइट एज वेल एज एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं एंडोपैरासाइट यानी कि इनसाइड द बॉडी हैबिटेट करेंगे होस्ट की और एक्टोपैरासाइट जो बॉडी है होस्ट की उसके ऊपर हैबिटेट करेंगे इसके अंदर बेसिकली दो एग्जाम्पल्स आते हैं एक होता है फैसियो फैसियोलाइसिस बुस्की जो कि स्मॉल इंटस्टिनल इस फ्लूक भी बोलते हैं इसको से, सेकेंड इज इस सिस्टोसोमा जिसको हम ब्लड फ्लू को बोलते हैं तो फर्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे फैसियोलाइसिस बुस्के के बारे में जिसको स्मॉल इंटेस्टिनल फ्लू को बोलते हैं ये एक सीलो जो एक एंडोपैरासिटिक फ्लैटफॉर्म होती है यानी कि जो इनसाइड द बॉडी रहेगी ये और जो कैविटीज होंगी बॉडी कैविटीज होंगी उनके अंदर ये हैबिटेट करेगी वहाँ पे ये रहेगी डाइजेनेटिक फ्लूक होती है यानी कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो दो होस्ट के अंदर कंप्लीट होगी जिसके अंदर प्राइमरी होस्ट या फिर प्रिंसिपल होस्ट होगा मैन एंड इंटरमीडिएट जो सेकेंडरी होस्ट है वो होगा यहाँ पे स्नेल स्नेल यहाँ पे हो सकता है प्लेनोरबिस या फिर सेगमेंटिना ये स्नेल्स से यहाँ पे हो सकते हैं बाइसेक्सल मोनोसियस फ्लूक होती है यानी कि ये जो फ्लूक होगी जो ये क्या करेगी ये एक तो बाइसेक्सुअल होगी या फिर इसको मोनोसियस भी बोल सकते हैं इसके बाद इसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है बॉडी की विद इन ही फर्टिलाइजेशन होगी इसके बाद कैप्सूल्स रिलीज कर दिए जाएंगे कैप्सूल जो है बॉडी से इजेक्ट आउट कर दिए जाएंगे विद फेकल मैटर देन कैप्सूल से जो है उसके अंदर जाइगोड डिवेल्प होगा फिर मीरासीडियम लार्वा होगा तो इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलेगी इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो है इंटेस्टाइन से जो कैप्सूल्स हैं वो निकलेंगे कैप्सूल्स जो है वो क्या होंगे एम्ब्रोनेटिड uh, एक्स जो है वोटर के अंदर चले जाएंगे एक्स में से नेक्स्ट uh, मीरासीडिया लार्वा जो है जाइगोड से मीरासीडियम लार्वा डिवेल्प होगा मीरासीडियम लार्वा जो है वो स्नेल के अंदर एंटर करेगा स्नेल के अंदर एंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ स्टेजेस आएंगी जैसे कि स्पोरोसिस्ट रेडाई एंड सर्केरिया ये स्टेजेस आएंगी ये स्टेजेस आने के बाद नेक्स्ट किसके अंदर चेंज हो जाएगा ये मेटा सर्केरिया के अंदर तो ये फ्री स्विमिंग सर्केरिया था जो कि नेक्स्ट मेटा सर्केरिया के अंदर चेंज हो जाएगा यानी कि इसके ऊपर एंसिस्टमेंट आ जाएगी एंड अगेन क्या कर जाएगा ये जो मैन है या फिर प्राइमरी होस्ट है उसके अंदर एंटर कर जाएगा डायरेक्ट एंड ओरल मेथड से यानी जो एनसिस्टिड मेटा सर्केरी थी वो लॉन्ग विद जो वाटर प्लांट है जैसे कि ट्रैपा हो गया उसके लॉन्ग विद ये ईट अप कर ली जाते हैं या फिर इंजेस्ट कर लिए जाते हैं तो ये अगेन क्या करेगी अपनी लाइफ साइकिल रिज्यूम कर ले अगेन ये मेटा सर्केरी से नेक्स्ट जो है एडल्ट फॉर्म होगा तो ऐसे ही इसकी साइकिल चलती रहेगी इसके बीच में यहाँ पर रिजर्वोयर होस्ट भी होते हैं रिजर्वोयर होस्ट में जैसे पिक्स हो गई रिजर्वोयर होस्ट होता है जो इसको रिजर्वोय रिजर्व करके रखेगा कुछ टाइम तक इसके बाद इसके अंदर डिजीज़ एंड सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं डिजीज़ के अंदर ये कोज करता है एक कॉमनली डिजीज़ जो होती है फैसियोलोपसाइसिस ये इसके अंदर क्या क्या होता है इन्फ्लामेशन होती है हेमरेज होता है इंटेस्टिनल वोल्स का जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है पेन होता है पेन इसके बाद डायरिया नोजिया एंड वोमिटिंग ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं थेरेपी के अगर हम बात करें तो इंटस्टलर फ्यूक्स जो है वो रिमूव की जा सकती है बाय दिस ड्रग जिसको हम बोलते हैं हेक्साइल रेसीसोमी रेसी सेकेंड वन इज द सिस्टोसोमा जिसको हम ब्लड फ्लूक भी बोलते हैं कॉमनली ये भी डाइजेनेटिक होती है यानी कि दो होस्ट के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगी प्राइमरी होस्ट होगा इसके अंदर मैन एंड सेकेंडरी होस्ट होगा इसके अंदर स्नेल या फिर इसको इंटरमीडिएट होस्ट भी बोलेंगे फीमेल फ्लूक जो होती है इसके अंदर ये जो फीमेल फ्लूक है वो इनसाइड जो मेल फ्लूक है उसके अंदर ये हैबिटेट करती है उसके अंदर ही रहती है फीमेल फ्लूक सिलेंडर होती है लोंगर होती है एंड सिलेंड्रिकल होती है और परमानेंटली लाई करती है इस मेल के अंदर और यहाँ पे एक गाइनो गाइनेकोफोरिक कैनाल होती है उसके अंदर ये लाई करती है इसके बाद ये जो कैनाल है वो कैसे फॉर्म होती है ये फॉर्म होती है जो मेल की वेंट्रल बॉडी होगी ये डोर्सल होगी साइड ये वेंट्रल साइड होगी जो मेल की वेंट्रल साइड है बॉडी वॉल वहाँ पे ये क्या कर जाएगी? कर जाएगी फोल्ड फॉर्म कर लेगी जिस फोल्ड की वजह से ये जो गाइनेकोफोरिक कैनाल है वो फॉर्म होगी बिहाइंड द एसिटाबुलम इसके अंदर दो सकर्स प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट इज अ ओरल सकर जो माउथ को सराउंड करेगा एंड सेकेंड होता है एसिटाबुलम एसिटाबुलम जो है कहाँ प्रेजेंट होगा वेंट्रल साइड पे इसकी बॉड बोड़, इसका बॉडी सरफेस रफ एंड स्पाइनी होता है फर्टिलाइजेशन अगेन इसके अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी एंड देन फॉर्म होंगे कैप्सूल जो है यूररी ब्लैडर और इंटस्टाइन के थ्रू इजेक्ट आउट कर दिए जाएंगे ह्यूमन बॉडी से along with यूरिन और फिकस इसके बाद कैप्सूल जो है वो मीरासीडियम लार्वा के अंदर डिवेल्प होगा तो फर्स्टली जो है कैप्सूल क्या किए जाएंगे इजेक्ट आउट किए जाएंगे इजेक्ट आउट करने के बाद ये जो कैप्सूल्स है ये एग्स हो गए कैप्सूल्स में से मीरासीडियम लार्वा फॉर्म हो जाएगा मीरासीडियम लार्वा डिवेल्प करेगा वॉटर के अंदर और ये इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर क्या कर जाएगा हाइब्रेट कर इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर ये कर जाएगा पेनीटेट करने के बाद नेक्स्ट ये स्पोरोसिस्ट लार्वा फॉर्म करेगा स्पोरोसिस्ट जो है पोली एम्ब्रोनी फॉर्म करेगा और एक ये फॉर्म कर देगा एक सरकेरी और यहाँ पे जो सरकेरिया होता है इसको हम बोलते हैं फरको सरकेरी फरको सरकेरी क्यों बोलते हैं क्योंकि इसकी जो इसका जो सरकेरिया लार्वा की जो टेल होती है वो फोक्ड होती है फोक्ड टेल होती है इस वजह से इसको क्या बोलते हैं फर्को सरकेरी बोलते हैं इसके अंदर कोई मेटा सर्केरी इसके अंदर कोई रेडियस स्टेज नहीं आएगी और जो फर्को सरकेरी है यानी जो फर्को सरकेरी जो स्टेज है वो स्नेल की बॉडी से बाहर आएगी ओपन वाटर के अंदर आएगी और इसके अंदर कोई मेटा सर्करी स्टेज भी नहीं होती है इसके बाद ओपन आ, आने के बाद ये क्या की जाएगी वॉशिंग और बेदिंग जो होगी उस टाइम पे ये पेनिट्रेट करेगी या फिर जो प्राइमरी होस्ट है इसका ह्यूमन है या फिर मैन है उसके अंदर ये पेनिट्रेट करेगी और पेनिट्रेशन में हेल्प करता है इसके अंदर पेनिट्रेशन ग्लैंड्स होती हैं जो कि इसकी एपिडर्मिस को रिमूव करके जो होस्ट है उसके एपिडर्मिस को रप्चर करके उसके अंदर एंटर कर जाएगी या फिर जो कंटामिनेटेड वाटर होता है उसके अलोंग विद ये एंटर कर सकती है पेनिट्रेशन करने के बाद स्किन इन्फ्लामेशन होगी यानी यहाँ पे ये कर गया है अगेन लाइफ साइकिल ऐसे ही चलेगी इसके अंदर और ये जैसे ये अडल्ट यहाँ पे फॉर्म हो चुका है फिर ये अगेन क्या होगी इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी और ये साइकिल चलती रहेगी अब इसके अंदर जो डिजीज़ होगी अब पेनिट्रेशन किसके थ्रू है फूट के अंदर होता है या फिर स्किन के थ्रू इसके अंदर पेनिट्रेशन होता है जिसकी वजह से स्किन इन्फ्लामेशन कोज होती है स्किन इन्फ्लामेशन कोज हो जाएगी या फिर इसके अंदर हेमरेज और डायरिया भी कोज कर सकती है अगर हैवी इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा तो ये कार्डियोपलमरी सिस्टोसोमाइसिस कोज करता है जिस जिसको हम करेक्टराइज करते हैं फीवर से पेन इनलार्जमेंट ऑफ लीवर स्प्लीन डिसफंक्शनिंग ऑफ ब्रेन लंग्स हार्ट एंड गोनेट्स इसके बाद इसके इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे इन प्रॉपर फिजिकल मेंटल सेक्सुअल ग्रोथ जो कि डेथ को भी लीड कर सकती है या फिर जब ये ब्लैडर के अंदर होता है तो ब्लैडर इंजरीज़ ब्लैडर स्टोन या फिर हिमेटो यूरिया भी कॉज कर सकता है हिमेटो यूरिया यानी कि ब्लड के जो यूरिन है उसके अंदर ब्लड की प्रेजेंस होना थेरेपी कौन सी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए एंटीमनी कंपाउंड्स होते हैं तो इसके लिए वो रिकमेंड किए नेक्स्ट ग्रुप इज द निमेटोडाइसिस निमेटोडाइसिस के अंदर ये सारे एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इज द एनसाइलोस्टोमा डिडिन जिसको हुकवोम भी बोलते हैं कॉमनली तो फर्स्ट जो है ये सिलोजोइक और एंडोपैरासिटिक निमेटोड होता है सिलोजोइक होगा एंड एंडोपैरासाइट होगा फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन जो मैन होगा इस जो होस्ट होगा उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है यूनिसेक्सुअल और डायसिस होता है सेक्शुअल डायमोफिजम शो करते हैं मोनोजेनेटिक होते हैं ये यानी कि एक ही होस्ट के अंदर इसकी सारी साइकिल जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी इन फर्टिलाइजेशन इसके अंदर इंटरनल होती है इंटरनल जो यानी कि बॉडी के अंदर ये फर्टिलाइजेशन शो करेंगे इसके अंदर जो मेल है और ये फीमेल है मेल जो है स्मॉलर होता है यहाँ पे मेल जो है इसकी लेंथ है वो स्मॉलर है देन फीमेल से फीमेल इसके अंदर लार्जर इन लेंथ होती है इसके अंदर जो मेल है उसके अंदर एक पोस्टीरियर ओपनिंग होती है जिसके जिसको हम बोलते हैं क्लोइकल अप्रेचर लेकिन इसके अंदर और इसके अंदर कॉपलेटरी स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे ये कॉपीलेटरी कोपीलेटरी स्पीक्यूल्स यहाँ पर ये प्रजेंट होते हैं फीमेल के अंदर एन होती है फीमेल के अंदर यहाँ पे एन प्रेजेंट होंगी और कोई कापीलेटरी स्पिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे इसके बाद इसके अंदर पोस्टीरियर एंड पे एक मस्कुलर रेज प्रेजेंट होती जिसको है जिसको कोपलेटरी बरसा बोलते हैं यहाँ पे रेज प्रेजेंट होंगी ये जो येलो कलर की जो रेज प्रेजेंट होंगी जिसको कोपलरी बरसा बोलते हैं ये जो है ये कॉपलरी बरसा हो गया और जो फीमेल का है उसका पोस्टीरियर एंड जो है टेपर होता है टेपरिंग एंड होता है और यहाँ पे पोस्ट एडल पोस्ट एनल कोडल स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं कोई कॉपलेटरी वर्षा बर, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसकी लाइफ साइकिल कैसी होगी सबसे फर्स्ट तो मोनोजेनेटिक होगी मोनोजेनेटिक निमेटोड होता है पॉपुलेशन होती है इसके अंदर जो इंटस्टाइन होती है स्मॉल इंटस्टाइन होस्ट की उसके अंदर होगी और इसके अंदर क्या होगा अब नेक्स्ट फीमेल जो होगी वो ओवी पेरस होती है जो कि कैप्सूल्स को ले करती है इंटस्टाइन के जो होस्ट की इंटस्टाइन है उसके अंदर और ये कैप्सूल जो है फाइनली एजस्ट आउट कर दिए जाते हैं विद द फिकीकस तो यहाँ पे ये स्मॉल जो स्मॉल इंटस्टाइन है वहाँ पे ये एडल्ट जो है फॉर्म्स हैं वो प्रेजेंट होगी एनसाइलोस्टोमा की इसके बाद ये एक्स जो है फिकस के साथ बाहर निकाल दिए जाएंगे एंड इसके बाद जो है नेक्स्ट फॉर्म आएगी इसकी फॉर्म लार्वा जो है वो हेज किया जाएगा रेबिडिटी फॉर्म लार्वा जो है वो कैप्सूल के अंदर ही होगा इसके बाद ये लार्वा हेच करने के बाद ये कैप्सूल जो है वो सोयल के अंदर चला जाएगा और ये बैक्टीरिया के ऊपर फीड करेगा फ़ीड करने के बाद जो लेबे रेबिडिटी फॉर्म लार्वा है वो हिच आउट हो जाएगा और इसके बाद ये टू मोल्ट इसके अंदर स्टेज आती है मोल्ट के अंदर क्या होगा कुछ मोर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली चेंजेज आते हैं जिसकी वजह से ये क्या फॉर्म हो जाएगा नेक्स्ट जो इसकी नेक्स्ट जो स्टेज होगी वो फॉर्म हो जाएगी और नेक्स्ट स्टेज इसके अंदर होती है फ्लैरी फॉर्म लारवा ये, ये ये क्या होगा रेबिडिटी फॉर्म लार्वा से टू इसके अंदर मोल्टस आएंगी जिसकी वजह से ये फ्लैरी फॉर्म लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये फ्लैरी फॉर्म लारवा जो है नेक्स्ट किसके अंदर पेनिट्रेट करेगा फुट के थ्रू या फिर स्किन के थ्रू ये पेनिट्रेट कर सकता है होस्ट के अंदर तो इसका पाथ क्या होगा जब ये जो है ये एंटर करेगा उस टाइम पे फर्स्ट ये जाएगा लार्वे के अंदर लार्वे की फॉर्म में होगा जो कि स्किन के अंदर चला जाएगा लार्वे कौन सा था हमारा फ्लैरी फॉर्म लार्वा ये स्किन के अंदर चला जाएगा देन सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जाएगा देन लिम्फेटिक्स के अंदर जाएगा फिर इसके बाद ये मूव करेगा विनस सिस्टम की तरफ देन राइट साइड ऑफ द हर्ट एंड देन पल्मोनरी कैप्रीज के अंदर मूव कर जाएगा देन एलविलाई के अंदर लंग्स के अंदर चला जाएगा देन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फेरिंग्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड देन इंटेस्टाइन के अंदर फाइनली जहाँ पे इसकी डेवलपमेंट होगी वहाँ पे ये चला जाएगा तो ये जो पाथ होता है इस टाइम पे ये जो होस्ट होता है उसके अंदर कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से ये जब ये माइग्रेटरी करता है माइग्रेट करता है उस टाइम पे ये हेमरेज या फिर जो ब्रोंकियल नमे है लंग्स के अंदर वो कोज करता है या फिर जो सीवियर केस जब हो जाता है उस टाइम पे मैन जो है वो इम्पोर्टेंट भी हो सकता है उस टाइम पर या फिर अगर वुमेन के अंदर है तो वो जो मैनिस्ट्रेशन है उसकी उसके लिए क्या कर सकती है सीज कर सकती है तो डिज़ीज़ कौन सी होगी इसके बाद डिजीज़ के अंदर इसके अंदर एनसाइलोस्टोमाइसिस होगी गैस्ट्रो इंटस्टिनल डिसफंक्शनिंग कोस करेगा सीवियर अनिमिया फ़िजिकल एंड मेंटल डेफिशेंसी कोज करेगा थेरेपी कौन सी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए कार्बन कार्बन टेटरा क्लोराइड थाइमोल या फिर ऑयल होता है चीनोपोडियम का या फिर हेग्जाइल रेसिनोल या फिर इथाइलिन ये सब इसके लिए ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा इसके अंदर ट्राइचिनेला स्पायरिस जिसको हम ट्राइकिनिया वोम भी बोलते हैं स्मॉलेस्ट नॉन निमिटोड है ये इसके बाद ये जो है ये जो निमिटोड है अगेन सिलोजोइक एंडोपैरासिटिक होता है जो कि स्मॉल इंटस्टाइन के अंदर ही हैबिटेट करता है और इसके अलावा ये यूनिसेक्सुअल और डायसिस होता है जो कि सेक्सुअल डायमोरफिजम शो करता है जिसके अंदर मेल और ये फीमेल हो गई तो इसके अंदर क्या होगा जो मेल uh, है वो स्मॉल साइज का होगा अगेन मेल स्मॉल साइज़ का होगा और मेल के अंदर एक कॉनिकल कोडल प्रोसेसेस प्रेजेंट होती है टेल रीजन के अंदर कॉनिकल प्रोसेसेस प्रेजेंट होती है जिसको हम कोडल प्रोसेसेस बोलते हैं uh, ये कहाँ प्रेजेंट होती है जो क्लोइका होती है उसके नियर बाई प्रजेंट होती है और इसके अंदर कोई कोपुलेटरी uh, कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं फीमेल जो होती है मेल से लॉन्ग होती है थ्री टू फोर एम एम होती है इसके अंदर एन एस होती है तो और, और इसके अंदर कोई कोडल प्रोसेस नहीं होती तो इसके अंदर ये एन एस होगी कोई कोडल प्रोसेस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी नेक्स्ट फर्टिलेशन इसके अंदर इंटरनल होगी इनसाइड द बॉडी होगी और ये होती है स्मॉल uh, इंटस्टाइन जो होती मैन की उसके अंदर ही होती है उसके बाद फीमेल जो है जुविनाइल को अपनी बॉडी के अंदर ही डिवेलप uh, करेगी और फर जो है इसके बाद क्या करेगी जो फर्टाइल फ़ीमेल है वो बोर करेगी इंटस्टाइन के अंदर और ले करेगी जुविनाइल्स को लिम्फ के अंदर और ब्लड कैपलरीज़ के अंदर और ये जुविनाइल्स जो है वो वलिनट्री मसल्स के अंदर चले जाएँगे कैरिड आउट की जाएंगे वॉलेंट्री मसल्स तक जहाँ पे ये क्या करेंगे आ, ये फॉर्म करेंगे एक लेमन शेप्ड सिस्ट फॉर्म करेंगे आ, और सिस्ट फॉर्म करने के बाद ये सिस्ट जो है कैलसीफाइड हो जाएगी कैलसीफाइड हो जाएगी और जो एम्ब्रोज है वो डाई हो जाएंगे इन्फेक्शंस जो है इसके अंदर अगर जो पिग्स हैं वो डिस्कार अगर पीस मीट के जो होते हैं स्लोटर हाउस के अंदर उनको आ, इंजेस्ट कर लेती है जो एनसिस्टिड लार्वे होते हैं तो ये लार्वा क्या कर देता है आ, ये अपनी लाइफ साइकिल को रिज्यूम करता है तो सबसे फर्स्ट ये मेल और फीमेल थे इसके बाद क्या हुआ जो लार्वे है वो माइग्रेट करेंगे पेनिट्रेट करेंगे पेनिट्रेट करने के बाद ये क्या करेंगे अपने आप को डिवेल्प करेंगे और सिस्ट एनसिस्टिड एनसिस्ट फॉर्म करेंगे इस टाइम पर मसल पेन फीवर जैसे या फिर ओडिमा या फिर जो कुछ ऐसे जो कार्डिक डैमेज हो गया कुछ ऐसे सिम्टम शो करते हैं तो उसके बाद ये चले जाएंगे मसल्स के अंदर देन जो है ये कहाँ चले जाएंगे पिक जो है इसके अंदर स्लोटर हाउस से अगर जो मीट होगा उसके जो उसके पीसिस होंगे डिस्कार्डेड पीसिस वो ईटअप कर लेंगे इसके बाद जो एंसिस्टिड लार्वे है वो इंजेस्ट कर लिए जाएंगे जो अनकोर्क जो पोर्क होगा जो मीट का टाइप होगा पोर्क अगर वो अन आ, बोल सकते हैं हम या तो इसको हम बोलेंगे अनकुक्ड अनकुक्ड पोर्क होगा उसके उसके हॉर्स या फिर बियर का या फिर आ, जो है उसके थ्रू ये क्या कर ली जाएंगे वापस से ये चले जाएंगे जो स्टमक है उसके अंदर स्टमक के बाद ये चले जाएंगे इंटरस्टाइन के अंदर और इनकी जो लाइफ साइकिल है वो ये अपनी कंप्लीट कर लेंगे तो अगेन ये किसके अंदर चले जाएंगे इंटेस्टाइन के अंदर और अगेन की डेवलपमेंट शो करेंगे तो ऐसे इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट इसका ह्यूमन uh, के अंदर इन्फेक्शन कैसे होगा डायरेक्ट एंड ओरल होता है जो सिस्ट होती है निमिटोड की वो एंटर करती है ह्यूमन की बॉडी के अंदर बाई जो अनकुक्ड या फिर इम्प्रोपरली कुक्ड पोर्क होता है उसके थ्रू ये क्या करती है इंजेस्ट कर ली जाती है और फिर क्या कर दिए जाएंगे लार्वे जो है वो लिब्रेट कर दिए जाएंगे इंटेस्टाइन के अंदर वहाँ पे ये फीड करेंगे एंड ग्रो हो जाएंगे अडल्ट के अंदर इसके अंदर डिजीज एंड सिम्टम्स क्या होंगे ये फॉर्म कर ये एक डिजीज़ होती है कॉमनली जिसको हम बोलते हैं ट्राईचिनोसिस ये डिजीज़ कोज करती है इसके अंदर डायरिया नोजिया एब्डोमिनल पेन मस्कुलर पेन और जो पेशेंट है वो फील करता है पेन इन चेन स्वेलिंग ब्रीदिंग एंड मूविंग आर्म एंड लेग क्योंकि ये जो इसकी जो वॉलेंट्री मसल्स है उसके अंदर जो जुविनइल्स थे वो प्रेजेंट होते हैं स्वेलिंग ऑफ आई लीड्स फेसियल ओडिमा या फिर इसोनोफील या ये कोर्स कर सकता है इसके अलावा थेरेपी क्या होगी पिप्रेजाइन सिट्रेट या फिर थायोबेंजेडोल इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं ये ड्रग्स जो है इसके लिए इफेक्टिव होती है नेक्स्ट जो है वो चेरिया बैनक्रॉफ्टी जिसको हम फिलियरल फो वोम भी बोलते हैं ये भी अगेन डाइजेनेटिक होती है दो होस्ट के अंदर ये क्या करेगी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगी लास्ट वन हमारी मोनोजेनेटिक थी ये डाइजेनेटिक होगी ये फाउंड इन लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोट्स जो होती हैं है मैन की जो कि प्राइमरी होस्ट होता है उसके अंदर ये प्रजेंट होती है डिवेलपिंग स्टेजिज जो है जिसको माइक्रोफरी बोलते हैं ये स्लाइवा ऑफ फीमेल मॉस्किटो लाइक एडीज और कुलेक्स के अंदर या फिर एनोफ्लेज जो इसके सेकेंडरी होस्ट होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं तो जैसे ही अगर कोई एडीज कोलेक्स या फिर एनोफ्लेज कोई मॉस्किटो जो है फीमेल मॉस्किटो वो बाइट करेगी ह्यूमन बींग को तो उसके उसकी जो स्लाइवा है फीमेल जो मॉस्किटो उसकी स्लाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होगी जो माइक्रोफिलेरी फॉर्म है वो प्रेजेंट होंगी और ये माइक्रोफिलेरी क्या कर दी जाएगी ब्लड के जो स्लाइवा है या फिर एंटीकोगुलेंट है उसके थ्रू ये इंजेस्ट आउट कर दी जाएगी ह्यूमन ब्लड के अंदर यूनिसेक्सल डायसिस होते हैं जो कि सेक्सुअल डायमोर्फिज्म शो करते हैं तो ये फीमेल हो गई और ये मेल हो गया जो फीमेल uh, है फीमेल वोम है लॉन्गर होती है देन मेल वोम से मेल वोम क्या होती है फीमेल से शॉर्टर होती है वेंटरली कार्ड होती फीमेल जो मेल है वेंटली कार्ड होगा और इसके अंदर ये नैरो पॉइंटेड एंड स्ट्रेट होगी जो मेल है उसके अंदर क्लोइकल अप्रेचर प्रेजेंट होगा यहाँ पे क्लोइकल अप्रेचर प्रेजेंट होगा लेकिन फीमेल के अंदर एनस प्रेजेंट होगी कॉपलेटरी स्पीक्यूज प्रेजेंट होंगे मेल के अंदर लेकिन फीमेल के अंदर वो एबसेंट होंगे और जेनेटिल पेपिले जो है फीमेल के अंदर एबसेंट होंगे एंड मेल के अंदर प्रेजेंट होंगे इसके बाद अडल्ट जो है लॉन्ग ट्रांसपेरेंट हेयर लाइक फ्लैरी फॉर्म होते हैं जो कि टेपरिंग एंड होते हैं इसके बाद क्या की जाएंगे ये फर्टिलेशन शो करेंगे फर्टिलाइजेशन कैसी होगी अगेन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी फीमेल जो है यहाँ पे ओवो वी वी होती है लास्ट केस में ओनली वी वी पेरस थी यहाँ पर ओवो वी वी पेरिस होती है जो कि माइक्रो फ्लेरी रिलीज़ करती है लिम्फ फेसल्स के अंदर और ये माइक्रो फ्लैरी जो है एक हाईलाइन सीथ होती है उसके थ्रू कवर किए जाते हैं माइक्रोफ्लेरी नॉक्टरनल प्रियोडिसिटी शो करते हैं और जो होस्ट होगा उसके अंदर ये माइग्रेट करते हैं ड्यूरिंग नाइट के टाइम पे इसके बाद इसकी लाइफ साइकिल के अंदर अगर हम देखें तो मॉस्किटो क्या करेगा ब्लड मेल जो है वो टेकअप करेगा तो इसके थ्रू क्या कर दिए जाएंगे स्किन के अंदर जो ब्लड ब्लड जो सक करेगी जो फीमेल मॉस्किटो होगी यहाँ पे उसके थ्रू ये जो माइक्रोफ्लैरी फॉर्म है वो इंजेस्ट आउट कर दी जाएगी ह्यूमन ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर या फिर ये जो स्किन है उसके अंदर चली जाएगी इसके बाद ह्यूमन के अंदर ये स्टेजेस जो है ये आएंगी लिम्फेटिक्स के अंदर जो लिम्फ वेसल्स होंगी उनके अंदर ये स्टेजेस आएंगी यहाँ पे अडल्ट प्रोड्यूस करेगा सैटर्ड माइक्रोफ्लैरी जो लार्वे होंगे वो प्रोड्यूस करेगा ये माइ माइग्रेट करेंगे लिम्फेटिक एंड पेरीफ्रल ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये क्या करेंगे मूव करेंगे मूव करने के बाद ये मॉस्किटो जो है ब्लड मील टेक करेगा अगेन ये जो फॉर्म थी वो चली जाएगी मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो के अंदर और ये जो जो माइक्रोफ्लैरी फॉर्म थी माइक्रोफ्लैरिस स्टेज थी माइक्रोफ्लैरिस स्टेज अगेन जिसके ऊपर शीत प्रेजेंट थी वो शेड ऑफ कर देगी और ये मॉस्किटो के अंदर मॉस्किटो की मिड गट के अंदर पेनिट्रेट कर देगी उसके बाद ये मूव करेगी थोरेसिक मसल्स की तरफ थोरेसिक मसल्स की तरफ मूव करने के बाद फर्स्ट इसके अंदर लार्वा की स्टेज आएगी फर्स्ट लार्वा की स्टेज आने के बाद इसके अंदर फिर अगेन लार्वे की स्टेज आएगी और फाइनली ये माइग्रेट कर जाएगा मॉस्किटो के हेड के अंदर एंड प्रोबॉक्सिस के अंदर इसके बाद प्रोबॉक्सिस के अंदर मूव करने के बाद अलोंग विथ स्लाइवा एंड सम एंटीकोगुलेंट्स ये अगेन जो ब्लड मिल लेगा फीमेल मॉस्किटो उसके थ्रू जो मैन है उसके अंदर एंटर कर जाएगी तो ऐसे इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है इसके बाद ये जो डिजीज़ और सिम्टम्स है वो क्या कोज करेगी डिजीज के अंदर कॉमनली ये फॉर्म कर सकती है फिलरिसिस या फिर वो इसके अंदर सिम्टम्स क्या होंगे फीवर प्रोलीफ्रेशन ऑफ एंडी थी एंडोथीलियल सेल्स डिपोजिशन ऑफ मेटाबोलाइट्स इन द वॉल ऑफ लिम्फेस एंड लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज कर सकती है ये जिसकी वजह से इनॉर्मस स्वेलिंग जो है कुछ बॉडी पार्ट्स की वो हो जाती है जैसे कि आर्म्स लेग्स क्रोटल सेक्स ब्रेस्ट इन सब की क्या हो जाएगी स्वेलिंग हो जाती है इसके बाद क्या होगा इसके लिए थेरेपी कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं हम थेरेपी के लिए इसके अंदर जो हैड्राजन या फिर डाई थल कार्बामक्सिन या फिर कंपाउंड्स जो होते हैं एंटीमनी के और आर्सेनिक ये कंपाउंड्स इसके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इसके अंदर एग्जाम्पल है ड्राकनक्यूलस मेडिनन मेडी नेंसिस जिसको गुनिया वोम भी बोलते हैं ये जो वोम होती है ये हिस्टोजोइक होती है अब तक ये सिलोजोइक चल रहे थे सारे ये हिस्टोजोइक एंडोपैरासाइट निमिटेड होता है यानी कि जो टिश्यूज होंगे उसके ऊपर ये हैबिटेट करेगी या फिर ईट करेगी डाइजेनेटिक होती है दो होस्ट के अंदर कंप्लीट होगी प्राइमरी होस्ट इसके अंदर मैन होगा जिसके सब किटेनियस टिश्यू के अंदर ये हैबिटेट करेगी सेकेंडरी होस्ट इसके अंदर साइक्लोप्स होगा इसकी डिवेलपिंग स्टेजी जो है साइक्लोप्स के अंदर प्रेजेंट होगी यूनिसेक्सुअल डाइसिस होता है जिसके अंदर सेक्सुअल डाइमोफिजम प्रेजेंट होता है और इसको फायरी सरपेंट भी बोलते हैं इसके बाद इसके अंदर अगर हम सेक्सुअल डाइमोरफिजम की बात करें ये फीमेल बॉडी हो गई ये मेल हो गई इसके अंदर मेल जो है वो स्मॉलर होता है फीमेल जो है वो लार्जर होती है फीमेल के अंदर कुछ स्पाइन लाइक प्रोसेसेस प्रेजेंट होती है और मेल है उसके अंदर प्रेजेंट होती है जो इसकी टेल होगी वहाँ पे स्पायरली कोल्ड होती है और वहाँ पे कुछ जेनिटल पेपिले प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर लार्ज साइज़ के कॉपलेटरी स्पीक्यूज प्रेजेंट होते हैं बाकी फीमेल के अंदर ये सारी चीज़ें एबसेंट हो लाइफ साइकिल कैसे होगी इसकी जो ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस है उसकी लाइफ साइकिल के अंदर सबसे फर्स्ट तो जो या तो ये वोटर के थ्रू क्या कर सकता है एंटर कर सकता है या फिर जो फ्रॉग हो गया या फिर जो फिश हो गई उनका जो इनप्रॉपर्ली कुड जो मीट होगा उसके थ्रू ये एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे ये अल्डल्ट अडल्ट की फॉर्म में जो है डेवलप हो जाएंगे और ये अगेन क्या करेंगे फर्टिलाइजेशन शो करेंगे और फर्टिलाइजेशन शो करने के बाद ये क्या कर ली जाएंगे अगेन जो फुट है या फिर वहाँ पर जो अल्सर फॉर्म हुआ था उसके थ्रू ये बाहर निकल जाएंगे बाहर निकलने के बाद ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आएंगे और यहाँ पर साइक्लोप्स जो होता है वो इनको उसके अंदर चले जाएंगे साइक्लोप्स के अंदर साइक्लोप्स क्या कर लेगा जो जुविनाइल्स है उनको आ, उनको स्वेल कर उनको स्वेल्ड कर ले कर लेगा और उसके साथ जो है ये चले जाएंगे उसके अंदर चले जाएंगे इसके बाद उसके अंदर चल जाने के बाद जो लार्वे थे यहाँ पे जो साइक्लोप्स है उसके अंदर लार्वे की क्या होगी डिवेलप होगी यहाँ पे टू मोल्ट्स होती है टू मोल्ट होने के बाद टू मोल्ट आएंगी टू मोल्ट आने के बाद जुविनाइल जो है इन्फेक्टिव जुविनाइल के अंदर फॉर्म हो जाएगा और ये इन्फेक्टिव जुविनाइल जुविनाइल जो है अगेन ह्यूमन का इन्फेक्शन करेगा फिर ये चला जाएगा सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू से यहाँ पे मेल और फीमेल जो है वो क्या कर ली जाएंगे डेवलप कर ली जाएंगे और ये साइकिल ऐसे ही चलती जाएगी इसका डिजीज एंड सिम्टम्स कौन से होते हैं यहाँ पे गुनिया वोम डिजीज़ होती है जो कि करेक्टराइज होती है नोजिया डायरिया वोमिटिंग अस्थमा फेंटिंग या फिर इसिनोफेलिया से थेरेपी होती है इसके अंदर इंजेक्शन होता है इमल्सिफाइड किया जाता है ये ओलिव ऑयल ओल के अंदर एक वीक के लिए जो कि फिनोथाइजिन होता है उसको इमल्सिफाई करेंगे ओलिव ऑयल ओल के अंदर और फिर इसका इंजेक्शन से इसकी थेरेपी होती है नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल uh, है ऑग्जियोरिस या फिर इंडेरोबायसिस वर्मिकलेरिस जिसको पिनवोम भी बोलते हैं तो इसके अंदर अब क्या होगा इसके अंदर पिनवोम और शीट वोम इसको बोलते हैं इंटस्टिनल एंडोपैरासाइट है ये इंटस्टाइन के अंदर ही रहेगी इंटस्टीनल एंडोपैरासाइट होती है स्पेशली ये चिल्ड्रेंस के अंदर ही मिलती है इसके बाद यूनिसेक्सल डाइसिस और सेक्सल डाइमोफिजम ये शो करती है तो इसके अंदर ये मेल हो गया और ये फीमेल होगी मेल जो है होता है स्मॉल होता है और फीमेल जो है स्ट्रेट एंड लॉन्ग होगी और अगर हम इसके कार्ड टेल की बात करें जो मेल है उसके अंदर ये जो कार्ड टेल है वहां पे एक बरसा लाइक एक्सपेंशन प्रेजेंट होता है पोसीर एंड के ऊपर सिंगल कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और फीमेल जो है लॉन्ग होती है एंड पॉइंटेड एंड इसका प्रेजेंट होता है इंटीरियर के एंड के ऊपर अगर हम बात करें इंटीरियर एंड के ऊपर जो दोनों के दोनों मेल uh, और फीमेल जो सेक्स है उन दोनों के अंदर एक पेयर प्रेजेंट होता है सिफेलिक्स uh, एक्सपेंशन का जिसको एलईब बोलते हैं जो कि माउथ को क्या करता है बाउंड करता है थ्री लिप्स के थ्रू थ्री लिप्स के थ्रू ये माउथ को बाउंड करके रखेगा फर्टिलाइजेशन इसके अंदर इंटरनल होगी अगेन फीमेल जो है ओवी होती है और फीमेल क्या करेगी जो फीमेल है वो माइग्रेट करेगी एनल रीज़न तक एनल रीजन तक माइग्रेट करेगी नाइट के ड्यूरिंग नोक्टर्नल मूवमेंट होगी नाइट के ड्यूरिंग करेगी और ब्रस्ट कर देगी और जो एग्स है वो क्या कर दिए जाएंगे शोअर की तरह ब्रस्ट कर दिए जाएंगे जिसके अंदर एक टेड पोल लारवा लाइक जुविनाइल प्रेजेंट होगा और ये एग जो है डिपोजिट कर लिए जाएंगे पेरीएनल एरिया जो होता है स्किन का वहाँ पर ये डिपोजिशन हो जाएगी तो लाइफ साइकिल कैसे चलेगी इसकी सबसे फर्स्ट तो इसके अंदर ऑटो इन्फेक्शन होता है चिल्ड्रन्स के अंदर जैसे कि वो जो चिल्ड्रन होंगे वो अपना पेरीएनल जो एरिया है उसको स्क्रैच करेंगे फिर वो फिंगर्स तो अगर माउथ में पुट कर लेंगे जिसकी वजह से जो यहाँ पे इन्फेक्शन है वो ऑटो इन्फेक्शन हो जाएगा तो वापस से एग्स जो है वो इन्हेल कर लिए जाएंगे ह्यूमन बींग के थ्रू तो और वो वापस से स्मॉल इंटेस्ट्राइन के अंदर हेज किए जाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा ह्यूमन इन्फेक्शन हो जाएगा एक्स जो है ह्यूमन के अंदर चले जाएंगे फिर लार्वा हेच होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और ये अडल्ट की फॉर्म में ह्यूमन के अंदर जो है सिकम जो है उसके अंदर ये प्रेजेंट होंगे उसके अंदर ये मूव कर जाएंगे इसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये एग ले करेगी और क्या करेगी मूव करेगी नोक्टर्नल नाइट के टाइम पर मूव करेगी और ये पेरी एरिया के अंदर एक्स जो है वो स्टोर हो जाएंगे और यहाँ पर जो लार्वे है एग के अंदर क्या करेंगे फोर टू सिक्स आवर्स के अंदर यहाँ ये मेच्योर हो जाएंगे मेच्योर होने के बाद अगेन क्या कर ली जाएंगे इंजेस्ट कर ली जाएंगे और ये साइकिल चलती रहती है ऐसे ही इसके बाद डिजीज एंड सिम्टम्स कौन कौन से कौन से कोज करेगी एंटीरोबायसिस या फिर पिन वोम डिजीज कोज करती है स्लीपलेसनेस इनडाइजेशन लॉस ऑफ एपिटाइट एबडोमिनल पेन अपिटिक्स या फिर नोजिया वोमिटिंग नर्वस डिप्रेशन ये सारे सिम्टम्स इसके कोस करती है थेरेपी कौन सी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए थेरेपी होती है पिप्रेजाइन या फिर सिट्रेट पिप्रेजाइन सिट्रेट कर सकते हैं या फिर इसके लिए पायरेवीनियम पेमोट कर सकते हैं स्टीबेजियम आयोडाइड या फिर थायोबेंजेडोल या फिर आ, मेबेन डेजोल इसके लिए यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारी जो ला जो स्टेजेस थी जो ये है जो कंप्लीट होती है इसके बाद जो पैरासाइट्स थे हेलमिथीसिस के वो यहाँ तक कंप्लीट होते हैं थैंक यू सो मच